हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। कैसे हैं आप सबको? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 4 डाइट रेसिपीज़। ये जो डाइट रेसिपीज़ है ये बेसिकली सैलड रेसिपीज़ है और आप इसे अपने डाइट में ईजिली डिनर के टाइम पर ऐड कर सकते हैं। इन रेसिपीज़ में प्रोटीन ज़्यादा है और फाइबर ज़्यादा है जो कि आपके वज़न को तेज़ी से कम करने में मदद करेगा। इसके साथ ही साथ आप मेरे इंडियन डाइट प्लान फॉर वेट लॉस की सीरीज ऑफ वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि डे 1 से लेकर डे 10 में आपको क्या क्या खाना है और कितनी मात्रा में खाना है। और मैंने आप सभी के साथ कई सारी वेट लॉस रेसिपीज की वीडियोस भी शेयर की हुई हैं। अगर आप इन्हें प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ये आपके वज़न को तेज़ी से कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन सी डाइट रेसिपीज़ हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस ज़रूर करिएगा। उसके बगल में ही एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसे प्रेस करके उसमें ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला डाइट रेसिपी है ये है चना चाट। इसमें हमें करीब 213 कैलोरीज मिलती हैं। हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर है ये रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम का चना लिया है जिसे 8 घंटे के लिए भिगो के रखा था। ये 2 लोगों की सर्विंग है। सिंगल अगर आप ले रहे हैं तो आपको 50 ग्राम के आसपास का चना लेना है। 1 कप का पानी ऐड किया है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और आपको इसमें नमक ऐड करना है। बेकिंग सोडा टोटली ऑप्शनल है। अच्छे से मिक्स करके इसे हमें प्रेशर कुक करना है। करीब 3 से 4 सीटी आने तक हमें इसे कुक करना है। यहाँ पर अभी मैं कुछ सब्जियाँ भी ले रही हूँ। जैसे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसका वज़न 100 ग्राम है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसका वज़न भी 100 ग्राम है। इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। पैन गरम हो गया है और अभी मैं इसमें 1 चम्मच का तेल ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच का हमें इसमें राई ऐड करना है, जीरा 1 चम्मच, थोड़ी सी कड़ी पत्ता और इसमें फिर हमें हींग ऐड करना है। हरा चना हो या फिर ब्राउन चना हो, आप दोनों में से कोई भी चना यूज़ कर सकते हैं। चने में प्रोटीन्स अच्छा होता है और इसमें फाइबर अच्छा होता है। सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों अच्छा होता है, तो आप इसे ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करिएगा। आपका पेट बहुत देर तक भरा हुआ रहेगा और आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगी। डिनर में आप इसे ईजिली ले सकते हैं। अभी इसमें हमें थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है। 1 चम्मच का मैंने धनिया का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें ड्राई मैंगो पाउडर यानी आमचूर का पाउडर ऐड किया है और सॉल्ट ऐड करना है। अगर आपके पास ड्राई मैंगो पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पे नींबू का रस इसमें निचोड़ के डाल सकते हैं, वो लास्ट में डालना है। फिर इसमें मैं धनिया पत्ती और पुदीने का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो थोड़ा सा धनिया पत्ती पुदीने को कट करके डाल दीजिए। 5 से 6 मिनट कुक होने दीजिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चना जो है ये बहुत अच्छे से पक गया है। बेकिंग सोडा इसमें ऐड करने के कारण से चना जो है वो अंदर तक पका है। सो बेकिंग सोडा ऐड करने का फ़ायदा यही होता है। अभी इसका पानी जो है वो हमें चने से सेपरेट करना है। पानी को आपको फेंकना नहीं है, पानी को हम सब्जी में यूज़ करेंगे। अभी हमें जब सब्जी पक चुकी है तो हम चने को ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें ये पानी को ऐड करके इसे 5 से 8 मिनट तक कुक करना है। हमारा हेल्दी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर चना चाट जो है ये बनकर रेडी है। ये 2 लोगों की सर्विंग है। सिंगल सर्विंग में हमें 213 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन्स करीब 11.0 ग्राम के आसपास है। कार्बोहाइड्रेट 28.9 ग्राम और फाइबर 15.05 ग्राम के आसपास मिल रहा है। आप इसके साथ में 150 ग्राम के आसपास का ककड़ी भी अपने डाइट में डिनर के टाइम पे ले सकते हैं। ऊपर से आप थोड़ा सा इसमें नींबू का रस जरूर निचोड़िएगा, उससे इसका स्वाद और भी बढ़ता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारी लिस्ट का जो दूसरा डाइट रेसिपी है ये है मूंग दाल चाट। इसमें हमें करीब 196 कैलोरीज मिलती हैं। ये सिंगल सर्विंग है। इसे बनाने के लिए मैंने 45 ग्राम का मूंग दाल लिया हुआ है। ये छिलके वाली मूंग दाल है। अगर आपके पास बिना छिलके वाली मूंग दाल है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और इसमें करीब फिर मैं 1 कप के आसपास का पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हमें इसमें हल्दी ऐड करना है और इसे हमें कुक करना है। प्रेशर कुक नहीं करना है, आपको इस तरीके से पैन में डाल के कुक करना है। हमें कुछ सब्जियां लगेंगी, जैसे यहाँ पे प्याज लिया है 25 ग्राम के आसपास का, टमाटर लिया है 15 ग्राम आधा टमाटर,
कैरेट लिया है एक छोटे साइज का, 40 ग्राम है इसका वजन, कैप्सिकम है 15 ग्राम का, ककड़ी लिया है मैंने, कुकुम्बर 40 ग्राम का, और मैं यहाँ पे ड्राई मैंगो ले रही हूँ, ये 40 ग्राम का है। मैंगो है तो डालिए, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारी सब्जियों को हमें इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मूंग दाल जो है ये अच्छे से कुक हो गया है, हमें इसे एकदम पेस्ट नहीं बनाना है। अभी मूंग दाल और उसका जो पानी है हमें सेपरेट करना है, पानी फेंकना नहीं है आपको, उसे बाद में पी लेना है। उसमें हमें कई सारे विटामिंस एंड मिनरल्स मिलेंगे, तो पानी को बिल्कुल भी आप फेंकेगा मत। यहाँ पर मूंग दाल को सेपरेट किया है और एक बाउल में इसे ऐड किया है, और जितनी भी कटी हुई सब्जियाँ थी वो सारी की सारी अभी हमें इसमें ऐड कर लेनी है। फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार, और नींबू का रस हमें निचोड़कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। काफ़ी हेल्दी है, झटपट ये रेसिपी बन जाती है और काफ़ी टेस्टी भी है। और ये जो मूंग दाल का जो पानी था इसे भी आपको पी लेना है। मूंग दाल के चाट में हमें 196 कैलोरीज मिलती हैं, ये सिंगल सर्विंग है, और इसमें प्रोटीन 12.15 ग्राम के आसपास है, कार्बोहाइड्रेट 33 ग्राम के आसपास है, और फाइबर 8.03 ग्राम के आसपास मिल रहा है। हमारी लिस्ट का जो तीसरा डाइट सैलेड रेसिपी है ये है हाई प्रोटीन वेजिटेबल सैलेड। इसमें हमें 175 कैलोरीज मिल रही हैं। इसे बनाने के लिए काबुली चना लिया है 30 ग्राम, जिसे रात भर भिगो के रखा था। अभी सॉल्ट ऐड करके इसे हमें 4 से 5 सीटी आने तक हमें इसे कुक करना है। अभी मैं यहाँ पे सब्जियों के लिए पैन ली हूँ, पैन ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, तो बिना तेल ऐड किए मैं यहाँ पे लौकी ऐड कर रही हूँ करीब 100 ग्राम का। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च, ये करीब 50 ग्राम के आसपास है, और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बीन्स, ये भी 50 ग्राम के आसपास है। इसे हमें थोड़ी देर फ्राई करना है और इसे ढककर हमें 10 मिनट तक पकने देना है। सब्जियों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वो उसी से पक जाएगा। अभी मैं इस रेसिपी के लिए एक चटनी बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 100 ग्राम का टमाटर, 30 ग्राम का धनिया पत्ती, और थोड़ा सा गार्लिक 4 ग्राम के आसपास, और ग्रीन चिली आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है, और 1 चम्मच आपको इसमें जीरा ऐड करना है, और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर बन गई है हमारी हेल्दी चटनी, काफ़ी टेस्टी है। आप चाहे तो इसे खिचड़ी के साथ लीजिए, चावल के साथ लीजिए, रोटी के साथ लीजिए, सैलेड में डालिए, उससे उस रेसिपी का जो टेस्ट है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सब्जियाँ पक गई हैं, सो बाउल में अभी सारी सब्जियों को मैं ऐड कर रही हूँ, और ये जो चने हैं ये अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। स्पून से बताना था इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, करीब 5 चम्मच के आसपास इसमें ऐड की हूँ, आप पूरा इसमें डाल सकते हैं। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये वाला जो चटनी है, करीब 4 से लेके 5 चम्मच के आसपास। अच्छे से आपको इसे मिक्स कर लेना है, ऊपर से आप इसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। हमारी हेल्दी हाई प्रोटीन वेजिटेबल सैलेड बनकर रेडी है। इसमें 175 कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन 8.9 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 29 ग्राम के आसपास है, और फाइबर 13 ग्राम के आसपास मिल रहा है। हमारे लिस्ट का जो फोर्थ डाइट रेसिपी है ये है स्प्राउट सैलेड। इसमें हमें 227 कैलोरीज मिलती हैं और ये 2 लोगों की सर्विंग है। इसे बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियां चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैबेज लिया हुआ है, पत्ता गोभी ये 80 ग्राम के आसपास है। अगर आपको थायराइड की परेशानी है तो उस मोमेंट में आप ये वाला जो डाइट सैलेड है ये आप अपनी डाइट में ऐड मत करिएगा। साथ में यहाँ पे मैंने कैरेट लिया हुआ है, ये 60 ग्राम का है, कैप्सिकम भी लिया है, और कटी हुई प्याज ली है, 40 ग्राम है इसका वज़न, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुकुम्बर ककड़ी, करीब 100 ग्राम है इसका वज़न, और एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया हुआ है जिसका वज़न 60 ग्राम के हैं। इन्हें हमें इस तरीके से चॉप कर लेना है। पैन यहाँ गर्म हुआ है, सो मैं इसमें अभी करीब 30 ग्राम के आसपास का सोया चंक ऐड कर रही हूँ, और गर्म पानी में इसे हमें थोड़ा सा नमक ऐड करके करीब 5 मिनट के लिए इसे हमें कुक करना है। सोयाबीन में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स होता है, सो आप इसे अपने डाइट पर ऐड कर सकते हैं। पानी ठंडा हो गया है और अभी सोयाबीन में से जो भी एक्सेस वाटर है वो हमें निकाल लेना है। थायराइड की जैसे परेशानी है उन्हें सोयाबीन को अपनी डाइट में नहीं ऐड करना चाहिए। अभी मैं इन सोयाबीन को थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, करीब 5 मिनट के आसपास हमें इन सोयाबीन को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। बाउल में अभी हमें रोस्टेड सोयाबीन को ऐड करना है। इसके साथ में मैं यहाँ पर ले रही हूँ मूंग, ये स्प्राउटेड मूंग है, रॉ मैंने 70 ग्राम का लिया था तो उससे 1 कप स्प्राउट्स बने हैं, ये ऐड करना है। फिर मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पत्ती, पुदीने का जो पेस्ट है वो ऐड कर रही हूँ,
और इसमें अभी जितनी भी कटी हुई सब्जियां हैं वो हमें ऐड करना है। इस रेसिपी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन्स मिलता है। सो ये रेसिपी जो जिम जाते हैं और अपना मसल्स गेन करना चाहते हैं वो भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सारी कटी हुई सब्जियां भी हमें इसमें ऐड करनी है। सब्जियां जितना डालेंगे उससे इसका फाइबर कंटेंट भी बढ़ेगा। ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट और नींबू का रस आप इसमें ज़रूर निचोड़िएगा। हमारी हेल्दी हाई प्रोटीन हाई फाइबर जो स्प्राउट सैलेड ही ये बनकर रेडी है। दो लोगों की सर्विंग है। सिंगल सर्विंग में 227 कैलोरीज मिलती है, प्रोटीन 18.8 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट 38 ग्राम के आसपास है और साथ ही साथ फाइबर जो है ये 11 ग्राम के आसपास मिल रहा है। इन रेसिपीज़ का न्यूट्रिशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप को आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस भी रेसिपी का न्यूट्रिशन जानना है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किए वो इंटर करके नीचे कैलकुलेट का बटन दबाते ही आपको उस रेसिपी का पूरा न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, यानी उसमें कितने कैलोरीज है, प्रोटीन्स है, फैट्स है। इस तरीके से आप किसी भी रेसिपी का न्यूट्रिशन वैल्यू ईजिली पता कर सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज चेक। मुझे कई लोगों ने ये सवाल किया है कि जब हम वेट लॉस करते हैं उस समय हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा रूखी होने लगती है, स्किन में नरिशमेंट नहीं रहता है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बेसिकली आपको पानी सही मात्रा में लेना ज़रूरी है। पानी आप अच्छा पियेंगे तो आपका स्किन हाइड्रेट रहेगा, साथ ही साथ आप फ्रूट जूसेस लीजिए, वेजिटेबल जूसेस लीजिए, तो इंटरनली भी आपकी बॉडी जो रहेगी वो नरिश होना शुरू होगी। बिकॉज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर कई सारे एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे स्किन के नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ आपको प्रोटीन रिच फूड्स भी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए और एक्सटर्नली भी आपको अपनी स्किन केयर करना इंपॉर्टेंट है। आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर अप्लाई करिए, खासकर नाइट क्रीम ज़रूर अप्लाई करिए, बिकॉज नाइट क्रीम अगर आप लगाते हैं तो आपकी जो स्किन होती है वो अच्छे से हील हो पाती है। और मैं बेसिकली अपनी स्किन के लिए लावंटा होलिस्टिक का नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ। सो मैं अभी आपको इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ लावंटा होलिस्टिक का प्रीमियम आयुर्वेदिक स्किन रिजेनेटिंग एंड हाइड्रेटिंग नाइट क्रीम। ये प्योर आयुर्वेदिक नाइट क्रीम है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 100% फ्री फ्रॉम पैराबेन, सिलिकॉन और कोई भी इसमें आर्टिफिशियल कलर भी नहीं है। 100% प्योर ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और ये एक प्रीमियम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ये कुछ इस तरीके के कार्टून के बॉक्स में आता है। कार्टून से निकालने के बाद जो प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये कांच के बॉटल में आता है और करीब 50 ग्राम के आसपास इसमें क्रीम है। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये स्किन में रिंकल्स की अगर प्रॉब्लम है तो उसे कम करेगा, स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट करता है, न्यूट्रिएंट रिच ये प्रोडक्ट है और साथ ही साथ ये स्किन को वाइटन करने का भी काम करता है। सो, इसका कैप अगर हम ओपन करते हैं तो इस तरीके से इसमें एक प्लास्टिक का कैप और दिया हुआ है, इसे सेपरेट करना है। इस प्रोडक्ट की जो MRP है ये करीब करीब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो प्राइस है ये करीब 2699 रुपीज़ की है, लेकिन ये अमेज़ॉन में डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। करीब ये मुझे 1199 रुपये के आसपास मिला है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको मेरे फेस पे लावंटा होलिस्टिक का नाइट क्रीम जो है थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाती हूँ। मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है अभी सिवाय लिपस्टिक के। सो कैप को निकालने के बाद प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से है, ओके, एंड थोड़ा सा ही लगाना है। इसे लगाने के बाद स्किन जो होती है वो चिपचिपी नहीं लगती है। एक दो सेकंड के लिए हमें चिपचिपापन लगेगा बट उसके सिवाय ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगता है, अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। प्रोडक्ट क्लेम भी करता है कि ये हमारी स्किन को वाइट करेगा और अगर किसी को रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो रिंकल्स की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करेगा और साथ ही साथ ये स्किन को रिजुनेट करने का भी काम करता है, यानी स्किन को हील करने का भी काम करता है। वाइज अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 50 ग्राम है, तो ईजिली ये जो क्रीम है ये करीब 3 महीने के आसपास आएगा। सो अगर आपको ये क्रीम को परचेज करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ, आप चाहे तो वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।